Welcome students of standard 10 ICSE board. We are to my channel Rajiv Mantri Maths and Science Academy. Okay, आप मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है. अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो और बेल आइकॉन को भी दबाओ. प्रेस द बेल आइकॉन तो आपको हर न्यू नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, न्यू अपलोड के बारे में मालूम पड़ेगा. और ऑल के लिए ठीक है, तो हम चालू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स. बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जा रहा है ना. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है, बहुत इजी है. आज हम करने जा रहे हैं लीवर. लीवर टांडा बड़ा, उसमें दो चीज़ें, कोई उठाने के लिए वो लोड है जो आपको उठाना है, दूसरा इफोर्ट ताकत देते हैं. इफोर्ट का वो दांडा जितना बड़ा होता है इफोर्ट आर्म, उतनी कम ताकत में बड़ी चीज़ें उठा सकते हैं हम लोग. कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी यूज. सो दिस इज अ सिंपल मशीन. ओके, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर. सो थ्री पॉइंट्स, फुलक्रम, लोड एंड इफोर्ट. ओके, क्लास वन लीवर. इन क्लास वन लीवर में क्या होता है, फुलक्रम बीच में रहता है, एक बाजू लोड, एक बाजू इफोर्ट. सी सॉ वगैरह देखा ना आपने. क्लास टू लीवर, क्लास टू लीवर में फुलक्रम एक बाजू, बीच में आता है लोड और एंड में आता है इफर्ट, ताकत लगानी पड़ती है. तो फॉर एग्जांपल नट क्रैकर, सिंपल नट क्रैकर, प्रिंसिपल तो सेम है सबका, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू इफोर्ट इंटू इफोर्ट आर्म, गेटिंग लोड फोर्स, बोथ आर फोर्सेस ओनली, दोनों फोर्सेस ही है, करेक्ट. इसलिए हमें कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, खाली ये फोर्स का, दोनों फोर्स का यूनिट सेम होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये लेंथ का और वो लेंथ का यूनिट सेम होना चाहिए. ओके, चलते हैं सम की तरफ. ओके, सी द सम, अंडरस्टैंड नट क्रैकर, क्लास टू लीवर. क्लास थ्री लीवर में इफर्ट बीच में होता है, फुलक्रम एक बाजू, लोड एक बाजू और इफर्ट बीच में. A force of 60 Newton is required to crack a nut. Calculate the force that must be applied to handles of nutcracker. देखा है ना nutcracker को? 10 centimeter long, वो 10 centimeter long है. तो effort आप मिल गया हमें और 60 Newton ताकत चाहिए nut break करने के लिए. If the nut is placed at 2 centimeter, यानी कि if लोड डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द हिंज, हिंजेस पता है. कैलकुलेट एम ए ऑल्सो, मैकेनिकल एडवांटेज भी आपको कैलकुलेट करना है. तो लोड हो गया अपना 60 न्यूटन, लोड ऑन 2 सेंटीमीटर, ओके, इफोर्ट फाइंड करना है, इफोर्ट ऑन 10 सेंटीमीटर. सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लोड इंटू लोड ऑन, तो और फोर्स इंटू फोर्स आर इक्वल टू इफोर्ट इंटू इफोर्ट आर. तो 60 दिया हुआ है नट के लिए फोर्स चाहिए, इंटू टू फोर्स हम वो टू ही है और ये बड़ा है इफोर्ट आर्म, तो 10 है इफोर्ट एक्स हमें फाइंड करना है. तो ठीक है, 60 इंटू टू 120 अपॉन 10, 12 न्यूटन इफोर्ट. आंसर फाउंड, कैलकुलेटेड आंसर मिल गया हमें, सिंपल है सम. ओके ठीक है, इफोर्ट 12 न्यूटन मिल गया. मैकेनिकल एडवांटेज, ऐसा लोड अपॉन इफोर्ट है, इफोर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये भी मैकेनिकल एडवांटेज है. 10 अपॉन 2, इफोर्ट आर्म 10 सेंटीमीटर है और लोड आर्म 2 सेंटीमीटर है, 10 अपॉन 2 5 मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया हमें. तो 5 यानी कि 60 न्यूटन ब्रेक रिक्वायर्ड फोर्स है और सिर्फ 12 न्यूटन में हो गया. सिंपल मशीन है, अलग अलग सब प्रैक्टिस कर लो, कर लीजिएगा घर पे. ओके, प्रैक्टिस एट होम. एनी डाउट आई एम देयर, यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, कम्युनिकेट करो मेरे साथ. ओके, और करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सपोर्ट करो मेरे चैनल को. बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, केमिस्ट्री भी न्यूमेरिकल है, बहुत करेंगे. ओके, जस्ट सपोर्ट मी. मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. राइट डाउन.